हाय नंद किस आई नंदनी नमस्ते खुश रहो आओ अंदर आओ 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 ना आए आओ आओ भाई आओ आए सनका देवी आए देखो कौन आया है बैठो बैठो नमस्ते मौसी जी ये हमारे दामाद हैं अर्नव सिंह राय जादा आओ बताओ ब्याह की तैयारी कैसे चल रही है जी वो घड़ी भी आई गई अरे वाह नंद किशोर अच्छा लगा आपको निमंत्रण पत्रिका तो बहुत ही सुंदर है बहुत समय लगा ये सस्ता और सुंदर निमंत्रण पत्र ढूंढने में वाकई बहुत ही अच्छी पत्रिका है नंदिनी जी अभी और बहुत से काम बचे हैं और सोने का भाव आप तो जानती हैं कीमतें आसमान छू रही हैं आसमान फिर शादी के लिए सूट उनकी सिलाई और भी कितनी खरीदारी करनी है अब आपसे क्या छुपाना मधुमति जी माँ बाप को अपनी बेटी की शादी की फिक्र तो लगी ही रहती है ये शादी ब्याह कोई आसान काम तो है नहीं पता नहीं कैसे संभालेंगे हम ये सब अब आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है अभी अभी आपने अपनी दो दो बेटियों की शादी जो की है सब ठीक हो जाएगा फिक्र मत कीजिए लड़की वाले अच्छे तो है ना वो लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारी तो चिंता के मारे जान ही निकली जा रही है क्या है ना बड़े अमीर लोग हैं बस यही डर लगा रहता है कि हमसे कोई गड़बड़ ना हो जाए अरे अमीर है तो क्या हुआ हम लोग भी किसी से कम नहीं है मौसी जी आप बिना मतलब घबरा रहे हो चलवाने वाला रैकेट वो जी के पास होगा अब हम चलते हैं वो क्या है ना प्रीतिका के पापा के साथ जाकर लड़के वालों के लिए गेस्ट हाउस भी देखना है और भी बहुत सारे काम करने हैं अभी तो गेस्ट हाउस में क्यों रह रहे घर पे भी रह सकते हैं अरे बिटिया हमारे छोटे से घर में इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं लो हमारा घर है ना मौसी जी आप उन्हें यहाँ ठहरा दीजिए और जो पैसे बचेंगे उसे बाकी के चीजों में इस्तेमाल कीजिए अरे हाँ बिल्कुल सही कह रही है अमृत तलिया कुछ मेहमान यहाँ भी रह सकते हैं हाँ बिल्कुल अब पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा कहाँ है नंद किशोर जी जी दामाद जी है घर पे ऐसे में लोगों का आना ठीक रहेगा क्या आइए नंद किशोर हम तो बुला ही दे रहे हैं दामाद जी को तकलीफ देना ठीक रहेगा का खुशी वो मच्छर मारने वाला रैकेट नहीं है बगल वाली मीता चाची कुछ देर के लिए लेकर गई एसी चलाऊंगा तो सारे मच्छर भाग जाएंगे हाय रे नंद किशोर दामाद जी के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं 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 बुआ जी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी इनफैक्ट आई विल बी फाइन ये तो एसी ऑन करने की बात कर रहे और बुआ जी शादी के मेहमानों की इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए खुशी देखा इन्होंने खुद कहा इन्हें कोई दिक्कत नहीं है हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है बस अंदर जाके मैंने हाँ मौसी जी बस जाइए और चीजों की तैयारी कीजिए देखो बेटा एक बार फिर से ठीक से सोच लो पर आंटी सोचने की कोई बात ही नहीं है एक बार ऑन करके बस हाँ सोचने की कोई बात नहीं है प्रोग्राम ऑन है मुझे बहुत काम है मैं अंदर जा रहा हूँ बुआ जी आई एम फाइन अभी मच्छर भाग जाएंगे पता नहीं लेकिन बुआ जी बार बार क्यों पूछ रही थी कि कोई तकलीफ तो नहीं होगी
दूसरे की परेशानी कितनी अच्छी तरह समझा था हमरे बबुआ। हाँ मौसी जी, आपने सुना ना, उन्होंने खुद कहा कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं। फिर तो नंद किशोर पक्की बात मेहमान सीधे हिया ही अटैच ही रखे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब तो दामाद जी भी कह दिए हैं तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी मुश्किल पल में हल कर दी। मुश्किल की क्या बात है मौसी जी, ये घर भी तो आप ही का है। अरे बिटिया कितनी प्यारी हो तुम, चलिए अब हम चलते हैं। अच्छा। और भी कुछ काम हो तो बताना। हाँ, शर्माना नहीं। हाँ, है अब हम चलते। अच्छा, हैं। हाँ बिटिया चलो, हम छोड़ के आते हैं। आपकी ये हाँ आपको बहुत भारी पड़ेगी मिस्टर अर्नब सिंह राय साहब, अब आगे आगे देखो कि होता है क्या। I'm sorry, but yeah, so I was saying कि मैंने वो गड्ढे देख लिए, पर sales figures, I'm sorry. Yeah, the only problem that I can figure out. What the hell's going on over here? Amma, let me call you back. चार पाँच छ सात आठ, नंदिनी तुम लिखो हम बताते हैं। आवाज तो करेंगे, आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे, हम सिर्फ बर्तन की बात कर रहे। आज मौसम है सुहाना, खाली बर्तन का है बहाना, ला 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 ला। अरे नंद किशोर, अब बबुआ बैठो, खड़े काहे हो, बैठो बैठो, बहुत थक गए बबुआ। आज मौसम है सुहाना, लॉर्ड गवर्नर को सताने का है बहाना। छोटू देख तो सही स्पीकर चला क्यों नहीं। मौसी जी फूल आ गए क्या। अब सनका देवी इस शादी में काम नहीं करी है तो कब करी है। अरे बहुत ही गाढ़ी दोस्ती है सनका देवी और प्रीतो की। कौन प्रीतो, उसकी सहेली। किसकी। दुल्हन कहा बताए बबुआ, हम भी सनका देवी तो है ही ऐसी, दूसरन की हंसी खुशी दुख तकलीफ में बराबर की हिस्सेदारी, बचपन से ही ऐसी है। हाँ कहा पता है बबुआ, एक बार की बात है प्रीतो इम्तिहान में फेल हो गई,
और फिर पड़ी उनका खूब जम के डांट फटकार। अब फेल तो हुई ऊ और ये सनका देवी बैठ के जोर रोई कि चुपे ना चुपाए।